please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मेरठ में कुछ पुलिस वाले एक गोदाम में छापेमारी करते नजर आए. आरोप है कि ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए वहां से नामी कंपनियों के ब्रांड का इस्तेमाल कर नकली फुटबॉल और वॉलीबॉल बेची जाती थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां छापेमारी कर भारी मात्रा में नामी कंपनियों के स्टिकर लगी फुटबॉल और वॉलीबॉल बरामद की. आरोप है कि खेल का सामान बनाने वाली कंपनी को जानकारी मिली थी कि उसके ब्रांड की नकल की जा रही है और नकली सामान बाजार में धड़ल्ले से असली बताकर बेचा जा रहा है, जिसके बाद गुरुग्राम की कंपनी ने पुलिस में इस फर्जीवाड़े की शिकायत की. Amazon India प्लेटफॉर्म पे लगभग साल भर पहले हमें SR ट्रेडर्स के नाम से ये पार्टी डुप्लीकेट फुटबॉल्स और वॉलीबॉल्स कॉस्को नीविया ब्रांड के बेचती हुई पाई गई. फिलहाल पुलिस ने नकली सामान बेचने के आरोप में शोभित अग्रवाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर उसके दूसरे साथियों का पता लगाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के आगरा में घर के बाहर बैठी कुछ महिलाएं दहाड़े मारकर रोती नजर आई. जिस घर में मातम पसरा था वहां रहने वाले एक किसान ने भारी भरकम कर्ज की वजह से खुदकुशी कर ली, जिसकी मौत की खबर मिलते ही इलाके के लोग उसके घर पर जुटे. मृतक के घर वालों ने दावा किया कि किसान के सिर पर करीब 5 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे ना चुका पाने की हालत में उसने ये कदम उठाया. 5 लाख का तो बैंक का था, 2 लाख रुपए का बाहर का भी कर्जा था, वो भी तंग कर रहे थे. मृतक के परिवार ने भी ये दावा किया कि 5 बीघा जमीन पर आलू की पैदावार होने के बाद भी किसान को उसकी फसल की लागत नहीं मिल पाई. आलू की खेती करने के बजाय इनको 3 साल से बरकरार घाटा जा रहा था. फिलहाल किसान की मौत के गम में डूबे परिवार ने कर्ज चुकाने के लिए सरकार और प्रशासन से मदद की अपील की. यूपी के हापुड़ में कुछ लोग एक ट्राईसाइकिल पर बैठे एक दिव्यांग को पीटते दिखाई दिए. दिव्यांग की पिटाई दुकान से सामान चोरी करने के आरोप में की गई, जिसका दिव्यांग ने विरोध किया, लेकिन गुस्साए दुकानदार और उसके साथियों ने दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई कर दी. इस दौरान दिव्यांग के साथ खड़ी महिला उसे न पीटने के लिए इन लोगों से गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और दिव्यांग को पीटते रहे. घटना के दौरान दिव्यांग अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध करता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कई लोग एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के बाहर खड़े नजर आए. इन लोगों ने आरोप लगाया कि ऑटोमोबाइल एजेंसी के एक कर्मचारी की लापरवाही से एक लड़की की मौत हो गई और उस कर्मचारी पर कार्रवाई करने के बजाय एजेंसी उसे बचाने की कोशिश कर रही है. चश्मदीदों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब राहुल नाम का लड़का ऑटोमोबाइल एजेंसी के बाहर एक दीवार के सहारे खड़ा अपने मोबाइल पर बात कर रहा था. तभी कंपनी का एक कर्मचारी सामान ले जाने वाले ऑटो को रिवर्स गियर में लाया और तेज रफ्तार में दीवार के सहारे खड़े राहुल को टक्कर मार दी. इस हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया. शाम 6 बजे हमारे पास फोन आया कि हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया. हमारा भाई भी फोन में लगता था, सर्वर में बहुत चार्ज हो. हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही कई लोगों के साथ राहुल के घर वाले मौके पर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस को बुलाया गया और लोगों को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, अच्छे तरह से जांच हो. लोगों के गुस्से को देखते हुए ऑटोमोबाइल एजेंसी ने पीड़ित परिवार को नौकरी का मुआवजा और भरोसा दिया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ. समझाया गया कि ये एक दुर्घटना है, कोई हमसे जो मदद कर सकेंगे, जो उनको क्लेम मिलेगा. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को हिरासत में लिया और मामले की जांच आगे बढ़ाने का भरोसा दिया. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 4 आतंकी मारे गए. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया. 27 मार्च को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की डिनर पार्टी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं. एनडीए में साथी दलों के लगाए भेदभाव के आरोप के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मुलाकात कर एनडीए की पहले से ज्यादा बैठक करने का भरोसा दिया. मुंबई में एक आदमी की हत्या के बाद उसे पेड़ से लटकाने के आरोप में पुलिस ने उसी के दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया. हसीन जहां ने आरोप लगाया कि उनके पति मोहम्मद शमी ने उनका घर खर्च बंद कर बैंक को पैसे न देने का निर्देश दिया. एक्सिस बैंक के ब्रांच में गई उसे कैश करवाने के लिए, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि पेमेंट स्टॉप कर दिया गया है. रजनीकांत उत्तराखंड के ऋषिकेश और अल्मोड़ा में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बाद चेन्नई लौट गए. बिहार के अररिया में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपों के मामले में जेल पहुंची जांच टीम ने पकड़े गए दोनों आरोपियों की आवाज का सैंपल लिया.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो टीवी पर अपने पहले टेस्ट शतक की हाइलाइट्स देख रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा से आईसीसी ने बैन हटा लिया जिसके बाद अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में खेल पाएंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपने नए लुक की तस्वीर शेयर की। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराकर वेस्टइंडीज की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। हरियाणा के करनाल में एक बेकाबू ट्रक एक कार को टक्कर मारने के बाद आगे बढ़ गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान वहां पहले से हो चुके एक हादसे की कवरेज के लिए कुछ मीडिया कर्मी भी मौजूद थे जिनके कैमरे में यह हादसा रिकॉर्ड हुआ। ट्रक से टक्कर लगने के बाद कार सड़क के किनारे लग गई और ट्रक आगे निकल गया। चश्मदीदों ने दावा किया कि कुछ दूरी पर ट्रक को रोककर ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसे धर दबोचा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। ट्रक ड्राइवर हाथ जोड़कर अपनी जान की गुहार लगाता रहा लेकिन गुस्साए लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार कुछ लोगों की बीच बचाव के बाद ही लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पीटना बंद किया और फोन करके ट्रक के मालिक को मौके पर बुलाने की कोशिश की। ट्रक ड्राइवर ने दलील दी कि ओवरलोड होने की वजह से ट्रक के ब्रेक नहीं लगे जिससे वो आगे वाली कार से टकरा गया लेकिन लोगों ने दावा किया कि ड्राइवर के नींद में होने की वजह से यह हादसा हुआ। पीछे एक ट्रक आया उससे ब्रेक नहीं लगी, नींद में था बोल रहा था और आते ही उसने ब्रेक मार दी। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना वाली जगह पर पहले से ही जो हादसा हुआ था उस हादसे के शिकार गाड़ियों को 9 घंटे बाद भी वहां से नहीं हटाया गया इस वजह से वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की और सरकार की घटना की खबर दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ पुलिस वाले कपड़े से चेहरा छिपाए 3 लोगों को हथकड़ी में जकड़कर थाने ले जाते दिखाई दिए। आरोप है कि तांत्रिक के कहने पर 5 साल के बच्चे की बलि उसी के ताऊ ने दे दी और शव को खेत में छोड़कर चले गए। नरबलि की ये वारदात 24 फरवरी की है जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि तांत्रिक के कहने पर 5 साल के बच्चे के ताऊ ने गड़ा खजाना पाने की चाहत में उसकी बलि दे दी। बच्चे का शव 14 मार्च को खेत में मिला और कपड़ों से उसकी पहचान हुई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल गंडासा और तंत्र मंत्र का सामान भी बरामद किया। तांत्रिक ने इसके हाथ पैर बंधवा दिए और फिर उसके गर्दन पे वार करके जो ब्लड निकला वो उस बच्चे के ताऊ को जिसको फायदा पहुंचाना था उससे उसका तिलक किया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ताऊ ने अपना गुनाह कबूल किया। कन्हैया था, मेरे भाई का लड़का था, इसने मेरी बुद्धि खराब कर दी। नरबलि के इस खुलासे से इलाके में दहशत फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि बच्चे के ताऊ ने ही उसकी हत्या कर दी। अमेरिका की मैरीलैंड में एक स्कूल में हुई गोलाबारी में 2 लोग घायल हो गए जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि वाशिंगटन से दक्षिण पूर्व में मौजूद ग्रेट मिल्स हाई स्कूल में ये घटना हुई। सेंट मैरी के काउंटी पब्लिक स्कूल ने अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी दी कि स्कूल को बंद कर दिया गया और हालात पर काबू पा लिया गया है। मैरीलैंड के गवर्नर लैरी होगन ने पीड़ितों को मदद के लिए हर तरह का आश्वासन दिया। इससे पहले फ्लोरिडा के स्कूल में एक हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 17 लोगों की जान ले ली थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने मुठभेड़ में वाराणसी के रहने वाले एक 25,000 के इनामी बदमाश बीरेन्द्र बेनवंशी को मार गिराया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बच्ची की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी की नाराज भीड़ ने जमकर पिटाई की। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में एक लड़की पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी नानी की हत्या करने और शव को घर के पीछे दफनाने का आरोप लगा। राजस्थान के अजमेर में एक आदमी पर संपत्ति के विवाद में अपनी मां और भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक लड़के पर एक तरफा प्यार में लड़की की चाकू मारकर हत्या का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के सागर में आरोपी पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर एक रेप पीड़िता ने आईजी के दफ्तर में केरोसिन डालकर खुदकुशी की कोशिश की। बिहार के बेतिया में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया जिसमें एक जेसीबी चालक घायल हो गया जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार किए गए 46 बदमाशों को सरेआम सड़कों पर घुमाया, उनसे उठक बैठक करवाई और उनमें से कई की डंडों से पिटाई भी की।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने एक होटल पर दबिश देकर बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 70 से ज्यादा लोगों को मौके से पकड़ा और उन्हें बस में बैठाकर थाने ले गई। पुलिस ने इलाके के करीब आधा दर्जन होटलों पर छापे मारे, जिससे हड़कंप मच गया। आरोप है कि इन होटलों में काफी समय से जिस्म फरोशी का रैकेट चल रहा था, जिसके बाद SP के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुंबई में दादर और माटुंगा रेलवे स्टेशन के बीच पटरियों पर बैठकर रेलवे के हजारों अप्रेंटिस प्रदर्शन करते दिखे। इन लोगों ने रेलवे भर्ती में नए नियमों का विरोध करते हुए रेल का चक्का जाम कर दिया और पुराने नियमों के तहत पक्की नौकरी की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने पोस्टर बैनर लेकर रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही को पूरी तरह ठप कर दिया और वी वॉन्ट जॉब के नारे लगाने लगे। सरकार है, उनकी बात नहीं मानेंगे, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। जो ट्रेनें हैं वो अभी भी तकरीबन 2-2.5 घंटे से जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो यूपी बिहार और नॉर्थ इंडिया से आती है वो ठप पड़ी हुई है। छात्रों के अचानक हुए प्रदर्शन की वजह से मुंबई की रफ्तार थम गई, जिसका सीधा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा। लोकल ट्रेनें तो ठप हुई ही, सेंट्रल रेलवे के करीब 30 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से लाखों मुसाफिर बेहाल हो गए। यात्रियों को हो रही परेशानी के बीच भारी पुलिस बल भी छात्रों को पटरी से हटाने के लिए मौके पर पहुंच गया, लेकिन कुछ छात्र ट्रैक पर लेट गए और बाकी छात्र अपनी मांगों के समर्थन में ट्रेनों के आगे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पहले ट्रेनिंग के बाद हम लोग को जॉब मिल जाता था, लेकिन अब ये बदल दिए। राजनीति पार्टी एक ही बात बोलती है, तुम्हारा काम होगा, सिर्फ आश्वासन देती है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि रेलवे में पुराने नियमों के तहत भर्ती की जाए और जो रेलवे के अप्रेंटिस हैं उन्हें स्थायी नौकरी दी जाए। इसके अलावा छात्रों ने 20% कोटा को खत्म करने की भी मांग की और मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासी हलके में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में सरकार चला रही BJP के सांसद किरीट सोमैया ने छात्रों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की और दावा किया कि छात्रों की समस्या का जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है मैं सभी से चर्चा करने तैयार हूँ, सभी को न्याय मिलेगा। इसके बाद शिवसेना सांसद राहुल शिवाले के हवाले से खबर आई कि मध्य रेलवे DRM ने उन्हें भरोसा दिया है कि रेलवे जल्द ही इन अप्रेंटिस छात्रों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी। जानकारी के मुताबिक मध्य रेलवे में 12,400 पद खाली पड़े हैं। इन खाली पड़े पदों के लिए 31 मार्च तक परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा पास करने वालों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। वहीं सेंट्रल रेलवे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वामीनाथन ने इस मामले को बातचीत के जरिए हल करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने नियमों में बदलाव की मांग पर चुप्पी साध ली। हम रिटर्न में देने के लिए भी तैयार है, मीटिंग करने के लिए हम तैयार है, उस तक मैं रिटर्न में दे सकता हूँ, पॉलिसी अश्योरेंस मैं नहीं दे सकता। हालांकि अधिकारियों की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद छात्रों के रुख में नरमी आई और फिर उन्हें पटरी से हटा दिया गया, जिसके बाद 3 घंटे से ज्यादा समय तक ठप पड़ी रेल सेवाएं बहाल हो गईं। बिहार के मोतिहारी के एक निजी स्कूल में एक आदमी 2 बच्चों को छड़ी से पीटता दिखाई दिया। इस घटना को वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें दिखा कि एक छात्र स्कूल के बरामदे में लेटा हुआ था और उसके हाथ बंधे थे, जबकि दूसरा छात्र उसके बगल में दिखाई दिया। आरोप है कि स्कूल के निदेशक ने किसी बात पर दोनों छात्रों के हाथ पैर बांधकर उनकी पिटाई की। इस दौरान वहां एक और व्यक्ति मौजूद रहा, लेकिन उसने बच्चों की पिटाई का विरोध नहीं किया। पिटाई से बचने के लिए बच्चों ने माफी भी मांगी, लेकिन आरोपी ने माफी देने से इनकार कर दिया और आरोपी निदेशक उन्हें छड़ी से पीटता रहा। हालांकि इस दौरान आरोपी की पत्नी मौके पर पहुंच गई और उसने अपने पति की इस दरिंदगी का विरोध किया, लेकिन आरोपी ने उसे भी मौके से भगा दिया और फिर घर जाकर उसने पत्नी से भी मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान उसने पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया, गाली देने लगे, गमछा से मेरा गला दबा दिया और एसिड भी फेंक दिए। महिला के साथ ज्यादती की खबर लगते ही उसके पिता ने फौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराया, गाड़ी से लेकर इसको हॉस्पिटल लाया है। इस घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर हमला बोला। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का इशारा BJP के ही कुछ नेताओं की ओर था। हालांकि CM ने किसी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन चुटीले अंदाज में नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ लोग चर्चा में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। राजनीति में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम पूरा तनाव पैदा करेंगे तो इसी में हमको फायदा होगा। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने दरभंगा के उस हत्याकांड का जिक्र किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक जगह का नाम मोदी चौक रखने की वजह से विरोधी दल के लोगों ने एक आदमी की हत्या कर दी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हत्या जमीन विवाद की वजह से हुई और आरोप लगाया कि इस पर जानबूझकर गलत बयानी की गई। अगर कोई जाकर वक्तव्य देता है वहाँ
चाहे वो किसी भी दल का आदमी, वो गलत है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर हो रहे दुष्प्रचार की भी शिकायत की और लोगों से इसके माध्यम से तनाव बढ़ाने की हो रही कोशिश पर नजर रखने की अपील की। इस बीच भागलपुर में हुई झड़प के बाद विपक्ष राज्य की एनडीए सरकार पर हमलावर। हालांकि मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही। भागलपुर में एफआईआर दर्ज होता, सरकार कोई कोताही करने वाली नहीं है। लेकिन विपक्ष ने न सिर्फ नीतीश कुमार के दावों को खारिज किया बल्कि सरकार को बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार करने की भी चुनौती दी। अश्विनी चौबे के बेटा पर जो केस हुआ है और अन्य लोगों पर हुआ है, गिरफ्तारी नहीं होती है तो काम हम लोग नहीं समझेंगे कि आप काम कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि भागलपुर में दंगा भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन मुख्यमंत्री का दावा है कि राज्य में सामाजिक सद्भाव बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।